हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी झारखंड लोकसभा आयोग की ओर से एक नया अपडेट और नया नोटिस आ गया है और यह जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होने वाला था उसी को लेकर के है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, संयुक्त सहायक अभियंता असैनिक और यांत्रिक यानी मैकेनिकल वाला सीधी भर्ती मुख्य प्रतियोगिता पर चयन, इसका जो मेन्स एग्जाम होने वाला था, यहाँ विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि उसी के बारे में आवश्यक जो सूचना है। तो यहाँ पर जो है झारखंड उच्च न्यायालय में यह लंबित था तो वह अब आगे बढ़ गया है। और देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ऑर्डर आया है कि 10/9/2021 को पारित न्यायाधीश में संयुक्त सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग का जो है मुख्य भर्ती परीक्षा जो होना था वह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से। तो उक्त न्यायाधीश के आलोक में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम निर्मित है। तो यहाँ पर जो रुका हुआ था एग्जाम मेन्स का वह अब आगे होने वाला है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर जारी किया गया है नोटिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र खंड वन में है। यहाँ पे डेट आप लोग देख सकते हैं 22/10 को यानी कि 22 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को एग्जाम होगा। इसमें 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रथम पाली होगा और द्वितीय पाली जो होगा सेकंड टाइम 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। और इसमें जो है प्रश्न पत्र वन होगा मैकेनिकल वाला लोग के लिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हो सामान्य योग्यता परीक्षा में है, भाग क में है सामान्य अंग्रेजी का और भाग ख में है सामान्य अध्ययन। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा और प्रश्न पत्र 2 जो होगा वह भी यहाँ पर 2 घंटे का होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज का जो होगा एग्जाम वो 2-2 घंटे का होगा, यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा में यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं खंड 2 यानी पार्ट 2 में जो है परंपरागत प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया जाएगा वह है जब 24 तारीख को एग्जाम होगा यानी कि 24 अक्टूबर को। ये 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होगा अपराह्न के। यहाँ पे प्रश्न पत्र 1 भी दिया हुआ है मैकेनिकल वालों के लिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगा यह सेकेंड शिफ्ट में। और प्रश्न पत्र 2 और इसमें जो है 3-3 घंटे का एग्जाम होगा, ये दोनों पाली में यानी कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों में आपको यहाँ पर 3-3 घंटे का एग्जाम होगा। यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हस्ताक्षर जेपीएससी का। तो ये आया है नया अपडेट, नया नोटिस आया है और इसमें जो है आप लोग जो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और जो भी फॉर्म भरे थे यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग का वो लोग अब इस एग्जाम को लेकर के तैयारी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम अब होने वाला है। यहाँ पे हाईकोर्ट की ओर से आदेश भी आ गया है। यहाँ पर आप लोग जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है वो डेट्स देख लीजिए आप लोग, 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को। तो अब आप लोग अपना अपने पेपर के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो यह एक बहुत बड़ा अपडेट है जेपीएससी की ओर से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।